हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे आप सब? आई होप आप सब लोग अपने अपने घर में सेफ और सुरक्षित होंगे। आज फिर लेके आई हूँ बहुत ही अच्छी रेसिपी जो सबकी डिमांड भी थी, और मेरा प्रीवियस वीडियो जो था, फर्स्ट वीडियो जो सबने बहुत लाइक किया था, बहुत पसंद किया था, लड्डू का वीडियो, राइट? तो वो मैं अगेन लेके आई हूँ, लेकिन ये कुछ ट्विस्ट के साथ है। ठंडियाँ आ गई है, जैसे कि आप सब जानते हैं ठंडियाँ हैं और दिसंबर का महीना है, तो ठंडियों में तो हम लड्डू सबके घर में बनते हैं। तो मैं जैसे पिन्नियाँ होती हैं या आटे के लड्डू या मेवे के लड्डू, गोंद के लड्डू, ये सब काफ़ी चलते हैं, सबके घर में बनते हैं। तो ये कुछ ट्विस्ट के साथ है, कुछ ट्रिक्स के साथ है, कुछ अलग सी रेसिपी है, तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसको और मुझे ज़रूर बताइएगा रेसिपी कैसी लगी आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी को, देखते हैं कैसे मैंने इसको क्या क्या चीज़ें डाली हैं। आप भी इसको अपने ट्विस्ट और ट्रिक्स के साथ इसको बना सकते हैं। तो लड्डू वैसे तो सबके घर में बनते हैं, बट मेरे यहाँ तो बहुत पसंद किए जाते हैं ठंडियों में, स्पेशली गोंद के लड्डू खाने के बहुत फ़ायदे हैं। तो गोंद के लड्डू आइए बनाते हैं रेसिपी को और कंटिन्यू करते हैं, स्टार्ट करते हैं रेसिपी को। देखिए यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग कुछ भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम, काजू, किशमिश और सीड्स लिए हैं, पम्पकिन सीड्स। आप बहुत सारे सीड्स और बहुत सारे इसमें ड्राई फ्रूट्स, आपको जो भी पसंद है आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे वन बाय वन सबको घी में निकाल लूँगी, ड्राई रोस्ट नहीं करूँगी अभी, सब घी में निकालेंगे। घी थोड़ा थोड़ा डालते रहे, मैंने 2 टेबल स्पून डाले हैं। अब इसमें पहले हम बादाम को अच्छे से फ्राई करके निकाल लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं, बहुत लोग उसको थोड़ा सा दरदरा पीस करके फिर फ्राई कर सकते हैं, जैसे मैंने प्रीवियस अपने लड्डू की रेसिपी में दिखाया था कि पहले इसको ग्राइंड कर ले फिर इसको घी में कर ले, तो कैसे भी कर सकते हैं। अभी मैं इसको ऐसे कर रही हूँ, घी में अच्छे से इसको निकाला है। घी की कंजूसी नहीं करनी है और नहीं की जाती है पिन्नियों में और लड्डुओं में, क्योंकि ठंडियों का टाइम है तो घी में थोड़ा सा घी वगैरह खाने से अच्छा रहता है। तो ये मैंने अच्छे से इसको निकाल लिया है, अच्छे से रोस्ट हो गए हैं बादाम। अभी इसी में मैं काजू भी डाल दूँगी, और थोड़ा सा स्लो गैस पे करना है ना, फास्ट बहुत तेज़ गैस पे नहीं करना इसको। अभी काजू को, काजू थोड़ा ध्यान से कीजिए, बहुत ज़्यादा इसको ऐसे लाल लाल नहीं करना है। इसको भी अच्छे से घी में निकाल लेते हैं, सारे डाल लें। ड्राई फ्रूट्स आपको जो भी पसंद हो, जितने पसंद हो उतने डाल सकते हैं। ये जो ड्राई फ्रूट्स और घी और गोंद, इन सब का कॉम्बिनेशन जो है ना ठंडियों में बहुत अच्छा रहता है और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है सभी के लिए, तो ज़रूर खाएं। अभी इसमें मैंने किशमिश और जो पम्पकिन सीड्स हैं वो एक साथ डाल दिए हैं। अच्छा, सीड्स आपके पास जो भी अवेलेबल हो, मेरे पास यही अवेलेबल था इसलिए मैंने ये डाला है। अगर वो सनफ्लावर सीड्स हैं और भी जो काफ़ी सीड्स होते हैं जो खाए जाते हैं, आप कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, और अच्छा बनता है फिर ये लड्डू। तो इसमें अच्छे से मैंने इसको, मैं आपको दिखाती हूँ ना, ये जो किशमिश होती है ना थोड़ी सी फूल जाए, है ना, उतना करना है। ये देखिए ऐसे गोल गोल हो गई है ना, बस इतना हमें, क्योंकि कैसे पता चलेगा कि फ्राई हो गई है, बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं कैसे पता चलेगा फ्राई हो गई है। फ्राई आपको देखना है कि आपकी जो किशमिश है ना थोड़ी सी हो जाएगी ऐसे गोल गोल सी, और ये सीड्स तो बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो मेरे सारे ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए। घी फिर मैंने डाला है, देखिए घी अपने अकॉर्डिंग, घी मैं आपको नहीं बता रही हूँ मैंने कितना डाला है, वो मैं आपको बताती जा रही हूँ कि मैंने अगेन 2 टेबल स्पून डाला है। तो घी ना अपने अकॉर्डिंग जितना आपको चाहिए उतना डाल सकते हैं। अब मैं यहाँ गोंद को भूज रही हूँ, उसमें थोड़ा सा इसको ड्राई रोस्ट, मैंने अपना प्रीवियस जो लड्डू वाला जो वीडियो था उसको ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो उसमें मैंने ना ड्राई रोस्ट किया है इसको, जो ये गोंद है इसको मैंने ड्राई रोस्ट किया है। आप इसको घी में निकालें तो थोड़ा सा ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हैं, बट मैंने जैसा बताया कि घी की क्वांटिटी आपकी अच्छी होनी चाहिए, घी में कंजूसी नहीं करनी है। तो इसे घी में निकालिए बहुत स्लो गैस में, और इसको फटाफट ये पॉपअप होते रहेंगे, जैसे नहीं फूल जाते एकदम से, मैं आपको बहुत क्लोजअप दे भी रही हूँ कि देखिए कैसे निकालना है, एकदम फूल जाते हैं। और इसको निकालते रहिए, थोड़ा थोड़ा करके डालते रहिए, घी कम हो जाएगा तो घी डालते रहिए। मैं जैसे अभी मैंने घी अभी नहीं डाला, ये उतने में ही फ्राई हो रहा है, मैं अगेन अभी 2 टेबल स्पून डालूँगी, तो घी डालते रहिए। घी जितना आप डालते रहेंगे ना ये अच्छे से एकदम पॉपअप हो जाते हैं, और घी में ही हमें ड्राई फ्रूट्स और गोंद, जो मैजिक है वो गोंद का है इसमें। गोंद आप अच्छी क्वांटिटी में डालिए, मैंने एक बाउल गोंद इसमें यूज़ किया था, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ मेरा कितना वो एक बाउल, मतलब एक छोटा बाउल जो मैंने लिया था गोंद का, वो कितना हो गया वो आपको दिख जाएगा अभी इसमें वीडियो में आगे। तो ये देखिए मैंने सारा अच्छे से सब चीज़ें घी से निकाल के प्लेट में इकट्ठा कर लिए सारी,
देखिए इसमें बिल्कुल घी अभी ख़त्म हो गया, अब अगेन मैं इसमें घी ऐड करूँगी। घी डालते रहना, ये सारा देखिए रेडी हो गया। अगेन मैंने इसमें 3 to 4 टेबलस्पून घी डाला है, क्योंकि घी तो फिर पड़ेगा और फिर आटे को भी इसमें हमें भूनना है, तो इसलिए हमने घी डाला है। ये मैंने लिया है 2 बाउल्स आटा लिया है, आप कोई भी 2 कटोरी ले लीजिए, उसके अकॉर्डिंग ही कीजिएगा। तो मैंने इसमें 2 कटोरी आटा यूज़ किया है। इसको बहुत अच्छे से घी डाल के भूनना है, अच्छे से घी डालना है। मैं थोड़ा थोड़ा करके घी डाल रही हूँ, आपको दिखाती जाऊँगी कि घी मतलब कौन कौन सी स्टेज में, एकदम से मत डाल दीजिएगा। तो मैं थोड़ा थोड़ा करके घी ऐड कर रही हूँ, ताकि इसमें ना अच्छे से हमें पता भी चल जाए कितना घी हम डालना है। दूसरा एक अच्छा सा मतलब जो लम्स भी नहीं पड़ते हैं, अगर आप थोड़ा थोड़ा करके डालो ना, लम्स नहीं पड़ेंगे। ये देखिए मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को अच्छे से दरदरा पीस लिया है। वो जो आप देख रहे हैं ये तो काजू, ये गूंद है, इसको मैंने पीस लिया अच्छे से, क्योंकि मुँह में नहीं आना चाहिए, नहीं तो वो चिपकता है थोड़ा सा। ये मैंने अच्छे से काजू बादाम सबको अच्छे से, ये नहीं जो सीड्स हैं किशमिश है उसको छोड़ दीजिएगा, बाकी सबको अच्छे से पीस लीजिए, मतलब दरदरा टाइप, अच्छे से मेरा मतलब है दरदरा पीसना, नहीं एकदम कि उसको ऑयल छोड़ दे, वो उतना नहीं पीसना, दरदरा करना है, नहीं तो आप कूट भी सकते हैं उसको अच्छे से। बस इसको आप भूनते ही जाइए, थोड़ा टाइम लगता है, ये टाइम टेकिंग है, तो थोड़ा सा स्लो करके बस भून। मैं देखिए अगेन घी डाल रही हूँ, तो घी डालते रहिए, घी का मैजिक है। तो ये घी अच्छे से जब इसमें पड़ेगा लड्डुओं में या पिन्या जो भी आप कह सकते हैं इसमें, तो घी डालते रहिए, घी ज़रूर डालिए। घी जितना आप डालेंगे लड्डुओं का टेस्ट उतना ही अच्छा आएगा। मैं घी डाल डाल के ना फ्राई करती जा रही हूँ कि मुझे आइडिया मिल जाए कि कितना घी, घी अभी मैं और डालूँगी इसमें, तो घी ना पड़ता जाएगा इसमें। और बस भूनते रहिए, एक अच्छी खुशबू आएगी आपकी किचन में, बहुत अच्छी खुशबू आने लगेगी और एक कलर आ जाएगा। मैं तो अच्छा सा कलर लूँगी, देखिए मेरा बहुत अच्छा सा ब्राउन हो गया। इस स्टेज में बहुत लोग बंद कर देते हैं, बट मैं थोड़ा सा अभी कलर इसको दूँगी और ब्राउन करूँगी। तो बस घी को डालते रहिए अच्छे से और भूनते रहिए, चलाते रहिए अच्छे से, इसको रोस्ट करते रहिए। आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम में भी, वहाँ भी मैं रेसिपीज़ की पिक्स वगैरह डालती रहती हूँ। आप मुझे कमेंट करेंगे तो मैं वो रेसिपी आपको शेयर ज़रूर करूँगी। फेसबुक में भी फॉलो कर सकते हैं, मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ और जवाब भी सबके देती रहती हूँ। वो इसको कंटिन्यू चलाते रहिए। अच्छा, इस स्टेज में बहुत लोग गोंद डाल देते हैं, तो गोंद इसमें भी पॉपअप हो जाता है, बट मैंने तो पहले से भून के कर लिया है, लेकिन फिर भी मैं इस स्टेज में ना गोंद को डाल दूँगी, जो कि मैंने अच्छे से आपके सामने भूना है। भूनने के बाद इसको पीस लिया है, अब मैं इसको डाल दूँगी। बस मैं सीड्स भी डाल रही हूँ, इनमें भी घी काफ़ी मैंने देखा आपने, मैंने घी से निकाला था, तो ये मेरा ऑलरेडी भून गया है आटा अच्छे से, लेकिन मैं इसी स्टेज में डाल दूँगी ताकि ये और अच्छे से भून भी जाए इसमें, और घी भी जो भी इसमें है सब इसी में हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। तो बस 1 by 1 आपको सारा जितना ड्राई फ्रूट है सब धीरे धीरे करके इसमें ऐड करते जाना है। इसमें आप कोकोनट भी डाल सकते हैं, मैंने नहीं डाला है, मेरे पास अवेलेबल नहीं था उस टाइम, बट आप डाल सकते हैं कोकोनट डालने से और अच्छा। मैंने जो प्रीवियस लड्डू वाली रेसिपी थी उसमें कोकोनट ऐड किया था, इसमें मैंने बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स कोशिश किए, जितने डाल सकती हूँ सारे डाले हैं, ताकि ये सब ठंडियों में फ़ायदे करते हैं। तो हमने सारे ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर दिए, ये देखिए ऐड कर दिया है। अब आप इसमें अगेन आप इसको थोड़ा चलाते रहिए। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 बाउल बूरा शक्कर, बूरा शक्कर नहीं है तो आप चीनी को पीस भी सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मैं बूरा शक्कर यूज़ कर रही हूँ 1 बाउल। देखिए हमने 2 बाउल आटा लिया था, आटा मैंने बहुत भर भर के नहीं लिया था, तो 2 कटोरी आटा जैसे लिया है, तो आप 1 कटोरी अपना मीठा अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। तो मैंने 1 कटोरी बूरा शक्कर यूज़ किया है। बूरा शक्कर अब ईजी अवेलेबल है, पतंजलि का भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने 1 टीस्पून या मतलब टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा सौंठ डाली थी इसमें। सोट कहते हैं जिंजर को, ड्राई जिंजर को कहते हैं। और ये मैंने 1 टेबलस्पून इलायची पाउडर डाला है, ये भी आप ऐड कर दीजिए, बहुत अच्छा, इससे खुशबू तो आती है और जो सोट डाला है वो थोड़ा सा गर्म होता है, वो फ़ायदेमंद होता है आपके लिए, तो ज़रूर डालें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है पिन्नियों में, बहुत बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत लोग नहीं जानते होंगे कि सोट भी डाला जा सकता है इसमें, बट आप सोट डाल सकते हैं और बहुत अच्छा टेस्ट आता है।
तो अच्छे से इसको मिक्स कर लेती हूँ मैं, क्योंकि बूरा शक्कर डाला है ना, जैसे ही उसको हीट मिलेगी ना, देखिए वो अपना मतलब वो थोड़ा सा गीला जल्दी होने लगता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। और इस बीच मैंने थोड़ी सी मेरी क्लिप स्किप हो गई है मुझे लग रहा है, वो मैंने इसमें घी ऐड किया था, तो घी आप मैंने जैसे बताया अपने अकॉर्डिंग आप ऐड कर सकते हैं। लड्डू बंधने चाहिए, जैसे कि आप देख रहे हैं ना, लड्डूओं को बंधना चाहिए। अगेन मैंने इसमें घी ऐड किया, घी आप डालते रहें, थोड़ा सा अच्छे से बनने टाइप लड्डू हो जाएं। तो मेरा टोटल इसमें वन जो बाउल आपने देखा है ना, वो वन एंड हाफ बाउल लग गया था घी में, जो बाउल आपने देखा मुझे आटे को करते हुए मेजरमेंट लेते हुए, तो जितना आटा आपका लगा, मेरे दो बाउल आटा लगा, तो पूरा पूरा दो बाउल तो नहीं लगा घी, लेकिन वन उतने में हो गया था। सारे लड्डुओं को अब हम ऐसे बना लेते हैं अच्छे से। घी मैंने जैसे बताया अपने अकॉर्डिंग डालें, ताकि आपके लड्डू अच्छे से बन सके, कम भी डाल सकते हैं आप, और इतना तो एटलीस्ट डालें कि लड्डू अच्छे से बंध जाए। फिर भी अगर आपको प्रॉब्लम होती है तो थोड़ा सा आप, जैसे बहुत लोग कम डालना चाहते हैं, तो आप थोड़ा सा इसमें 2-3 चम्मच दूध ऐड कर सकते हैं। देखिए मैंने लड्डू बना के तैयार कर लिए, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी लड्डू बने थे ये। कैसी लगी रेसिपी आप लोगों को? आई होप आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी। ऐसे वीडियोस आते रहेंगे और ऐसे आप लाइक और प्यार करते रहिए। जल्दी से इसको थोड़ा सा और शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि 100K जल्दी हो जाए। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को, मेरे वीडियोस को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। कमेंट ज़रूर कीजिए, कमेंट में सबके पढ़ती हूँ, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।